सफेद घोड़ा जंगल में दौड़ते हुए, ये मैंने हिंदी लैंग्वेज में दिया था और मेरे मॉडल ने जो है ये जनरेट करके दे दिया, बहुत ही अच्छा है। और ये पंजाबी टेक्स्ट से मैं वैसा रिजल्ट जनरेट करवाना चाह रहा हूँ जो कि मैंने इंग्लिश से करवाया, हिंदी से करवाया। ओके, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया है, लोग भी हैं, होली भी खेल रहे हैं, सेलिब्रेट भी कर रहे हैं, और बिल्कुल तेलुगु लैंग्वेज का जो है मैंने वो दिया है। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मनदीप है और आज की वीडियो में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज करने वाले हैं। आज की वीडियो में हम मल्टीलिंगुअल टेक्स्ट टू इमेज जनरेटर बनाएंगे। सो बेसिकली सरल भाषा में अगर बात करूं तो आप किसी भी लैंग्वेज में जो है अपना टेक्स्ट दीजिए, ये आपको वैसे ही इमेज जनरेट करके दे देगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक कुछ टाइम पहले एक वीडियो बनाई थी, उसमें बेसिकली इंग्लिश लैंग्वेज लेके और इंग्लिश से जो है इमेज जनरेट कर रहा था, टेक्स्ट टू इमेज जनरेटर का वो इंग्लिश लैंग्वेज ले रहा था पर्टिकुलरली ओनली। बट इस वीडियो में पर्टिकुलरली हम जो है उसको एक्सटेंड करने वाले हैं और किसी भी लैंग्वेज में आप टेक्स्ट दे दीजिए, जैसे कि हिंदी में, तेलुगु में, तमिल में, कन्नड़ में, पंजाबी में, किसी भी लैंग्वेज में आप जो है आप अपना टेक्स्ट दे दीजिए, ये आपके लिए वैसे ही इमेज जनरेट करके दे देगा। तो आज की वीडियो के लिए सबसे पहले मैं आपको एक बार आपको जो है इसका क्या आर्किटेक्चर है, क्या फ्लो है, कैसे चीजें हो रही है, एक बार जल्दी से आपको उसका वॉक थ्रू करवाऊंगा, उसके बाद कोड का वॉक थ्रू करवाऊंगा, उसके बाद आपको डेमो दिखाऊंगा कैसे रिजल्ट ये दे रहा है। और ये सब करने के बाद अगर आपको रेफर करना है तो पूरा कोड जो है मेरे गिटहब रेपो में, मैं उसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ड्रॉप कर दूंगा, और मेरा गिटहब रेपो के ऊपर जो है पूरा कोड होस्टेड है। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम एक अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए इसका जो है आर्किटेक्चर या फ्लो का ओवरव्यू ले लेते हैं कि ये कैसे काम करेगा। सो बेसिकली ये जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, सबसे पहला स्टेप ये होगा कि भाई आप किसी भी लैंग्वेज में जो है आप अपना टेक्स्ट दे दीजिए। बस जो बेसिकली इसमें मेजरली तीन कंपोनेंट है, एक है गूगल ट्रांसलेट का, दूसरा कंपोनेंट है GPT-3 जो कि आपका बेसिकली टेक्स्ट जनरेशन वाला जो मॉडल होता है वो, और तीसरा मॉडल जो तीसरा कंपोनेंट है वो है आपका इमेज जनरेशन वाला मॉडल जो है, और फिर आपको इमेज जनरेट करके दे देगा। ये तीन जो है आपके सुपर इम्पोर्टेंट मॉड्यूल हैं इस पूरे आर्किटेक्चर में जो है। सो फ्लो कैसे रहेगा? फ्लो ऐसे रहेगा कि आप किसी भी लैंग्वेज में अपना टेक्स्ट देंगे, वो टेक्स्ट आपका जाएगा गूगल ट्रांसलेट के पास। अब इसके लिए हमने क्या किया है कि हमने गूगल ट्रांसलेट की लाइब्रेरी को यूज किया है। तो आप किसी भी लैंग्वेज में आप वो अपना वो टेक्स्ट दीजिए, और डेस्टिनेशन लैंग्वेज जो रहेगी, डेस्टिनेशन लैंग्वेज जिसमें हम ट्रांसलेट करना चाह रहे हैं वो हमारी इंग्लिश रहेगी। रीजन बीइंग कि GPT-3 और स्टेबल GPT-3 स्पेसिफिकली इंग्लिश कैरेक्टर्स को समझता है। सो उसके लिए हमें पहले अपने टेक्स्ट को इंग्लिश में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके लिए हमने जो है गूगल ट्रांसलेट का यूज किया है। लेकिन एंड यूजर को इस एंड यूजर को ये चीज नहीं दिखेगी, एंड यूजर अपनी लैंग्वेज में टेक्स्ट दे सकता है। तो उस इसमें फिर क्या होगा कि यूजर अपना टेक्स्ट देगा, फिर गूगल ट्रांसलेट का ही हमने यूज कर रखा है, वो गूगल ट्रांसलेट आपको इंग्लिश में टेक्स्ट जो है कन्वर्ट करके दे देगा, इंग्लिश में ट्रांसलेट करके दे देगा। फिर ये GPT-3 जो मॉड्यूल मॉडल प्री ट्रेंड मॉडल जो इसका है, हगिंग फेस का है, हमने उसको यूज किया है, वो बेसिकली आपको क्या करेगा, ये इंग्लिश टेक्स्ट लेगा और इंग्लिश टेक्स्ट को वेक्टराइज्ड फॉर्म में बेसिकली बना के, और उसकी वेक्टराइज्ड फॉर्म बना के इस वाले नेक्स्ट मॉडल को दे देगा जो कि बेसिकली जिसका नाम है स्टेबिलिटी AI, स्टेबिलिटी डिफ्यूजन 2। सो ये मॉडल क्या करेगा, जो वेक्टर फॉर्म में होगा, ये वेक्टर फॉर्म में ये इसको देगा, ये वेक्टर फॉर्म में फिर एक और नई वेक्टर जनरेट करेगा। लेकिन डिफरेंस ये होगा कि ये वेक्टर जो GPT-3 जो वेक्टर जनरेट करेगा वो टेक्स्ट वाली वेक्टर होती है, टेक्स्ट के लिए वेक्टर होगी, और ये जो वेक्टर जनरेट करेगा वो इमेज के लिए जनरेट करेगा। फिर इससे फिर जो है हमारी इमेज जनरेट हो जाएगी और फिर जो है हमारा प्रोसेस जो है एंड हो जाता है। तो पूरा जो है स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस ये है, बहुत ही सिंपल है, कोई अलग सी चीज नहीं है। लेकिन वो पूरा फ्लो कैसे चल रहा है मैं आप लोगों को वो दिखाना चाह रहा था, तो आई थिंक ये आप सबको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब जल्दी से कोड का वॉक थ्रू कर लेते हैं। कोड के वॉक थ्रू के लिए सबसे पहले बेसिक चीज मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले जो रिक्वायर्ड लाइब्रेरीज हैं उनको इंस्टॉल किया है, जैसे कि गूगल ट्रांसलेट हम यूज कर रहे हैं तो मैंने गूगल ट्रांसलेट को यूज किया है, और डिफ्यूजर्स और ट्रांसफॉर्मर्स का हम यूज कर रहे हैं जो कि हमारे चैट GPT-3 मॉडल में और इसमें स्टेबल डिफ्यूजन पाइपलाइन में यूज होते हैं, तो हमने उनको इंस्टॉल किया है। सो सबसे पहले जो रिक्वायर्ड लाइब्रेरीज है उनको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद
जब आप ये सब इंस्टॉल कर लेंगे उसके बाद जो है जो जो रिक्वायर्ड लाइब्रेरीज हैं आप उनको इंपोर्ट करते हैं। ये बहुत ही बेसिक सी चीज है, तो मैंने बस इसमें मैं बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा क्योंकि ये जस्ट इंपोर्ट ऑफ फ्यू लाइब्रेरीज है। उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने एक सिंपल प्लेन पाइथन लैंग्वेज में एक मेथड बनाया है जो कि टेक्स्ट लेता है और डेस्टिनेशन लैंग्वेज लेता है। सो इसमें बेसिकली हमने क्या किया है कि हमने गूगल ट्रांसलेटर का ऑब्जेक्ट बनाया और उसको जो हम टेक्स्ट देंगे उसको ट्रांसलेट करके दे देगा जिस लैंग्वेज में हम ट्रांसलेट करवाना चाह रहे हैं। हमारे इस पर्टिकुलर केस में हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करवाना चाह रहे हैं क्योंकि इंग्लिश के टेक्स्ट से फिर GPT-3 जो है वेक्टर जनरेट कर पाएगा। तो फिर यहाँ से हम जो ट्रांसलेटेड टेक्स्ट को रिटर्न करवा रहे हैं, बहुत ही प्लेन सिंपल 3 लाइन का जो है मेथड है, आप समझ ही गए होंगे। उसके बाद जो है नेक्स्ट एक मैंने क्लास बनाई, उसके अंदर मैंने कुछ वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करवाया। ये वेरिएबल्स वो वेरिएबल हैं जो कि मुझे स्टेबल डिफ्यूजन पाइपलाइन को यूज करते वक्त चाहिए मुझे। सो कुछ कुछ वेरिएबल है और उनकी कुछ वैल्यूज है। सो बेसिकली इसमें जैसे कि मैंने बताया कि भाई डिवाइस कूडा यूज करना है, दैट मीन्स कि GPU आपको यूज करना है। सीड एक वेरिएबल होता है, आप इसकी कुछ भी रैंडम वैल्यू दे सकते हो। जनरेटर आप कौन सा यूज करना चाह रहे हो, इमेज जनरेशन में कितने स्टेप्स आप यूज करना चाह रहे हो, इमेज जनरेशन मॉडल वो कौन सा मॉडल यूज करना चाह रहे हो, क्योंकि इमेज जनरेशन के हगिंग फेस के ऊपर बहुत सारे मॉडल है, हर मॉडल की एक आईडी है, आपको वो मॉडल आईडी यहाँ पे देनी। इमेज जनरेशन साइज, आप किस साइज की इमेज जनरेट करना चाह रहे हो, मैंने यहाँ 900 बाय 900 दिया है, आप कुछ भी दे सकते हैं, 500 बाय 500, 1024 बाय 1025, मतलब कितनी विड्थ और हाइट की आप जो है इमेज जनरेट करना चाह रहे हो। यहाँ पे प्रॉम्प्ट जनरेशन मॉडल आईडी, आप प्रॉम्प्ट जनरेशन वाला कौन सा मॉडल यूज करना चाह रहे हो, मैंने यहाँ पे GPT-3 यूज किया है जो कि ChatGPT-3 में यूज हुआ है बेसिकली। ठीक है, ऐसे ही ये कुछ वेरिएबल्स हैं उनको इनिशियलाइज करवाया, नथिंग मोर देन दैट। उसके बाद सिंपल है, उसके बाद सिंपल ये है कि जो ये पाइपलाइन के ऊपर है, स्टेबल डिफ्यूजन पाइपलाइन के ऊपर यहाँ पे एक फ्रॉम प्री ट्रेंड का मॉडल मेथड होता है, उसके अंदर आपको ये वेरिएबल्स की वैल्यू पास करिए कि इमेज जनरेशन मॉडल आईडी क्या है, बेसिकली आपका टॉर्च क्या है, रिवीजन क्या है, और यूजर और टोकन, ये और टोकन वो है कि जो कि आपको यहाँ से मिलता है हगिंग फेस की वेबसाइट के ऊपर चाहिए। आप अपना अकाउंट बनाइए, फिर यहाँ पे अपने अकाउंट में जाएंगे यहाँ पे, और फिर यहाँ पे एक्सेस टोकन यहाँ से आप जनरेट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ नया टोकन, न्यू टोकन पे क्लिक करोगे आप नया टोकन जनरेट हो जाएगा। बेसिकली ये ऑथेंटिकेशन के लिए है ताकि हगिंग फेस के अगर आप किसी चीज को यूज कर रहे हो, दे वांट टू ऑथेंटिकेट यू, तो यहाँ पे आप अपना अपना ऑथेंटिकेशन टोकन जो है यूज कर सकते हैं। उसके बाद बस कुछ नहीं है, उसके बाद मैंने यहाँ पे इमेज जनरेशन का मॉडल जो है यहाँ पे वो रिटर्न कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे जनरेट इमेज का एक और मेथड लिखा है जिसमें प्रॉम्प्ट जाता है, मतलब जो टेक्स्ट हम देंगे, और मॉडल जाता है कि हम कौन सा मॉडल यूज करना चाह रहे हैं, और ये फिर ये मेथड जो है मुझे एक इमेज जनरेट करके देगा, और फिर उस इमेज को मैं सिंपली रिटर्न करवा रहा हूँ। यहाँ पे गेट ट्रांसलेशन, ये वही वाला मेथड है जो मैंने ऊपर डिफाइन किया था, ये वाला गेट ट्रांसलेशन। तो हम क्या कर रहे हैं बेसिकली, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया था कि हम अपने टेक्स्ट अपनी लैंग्वेज में टेक्स्ट देंगे और फिर वो जो मेरा गूगल ट्रांसलेट के पास जाएगा, गूगल ट्रांसलेट मुझे ट्रांसलेट करके देगा इंग्लिश में, वो इंग्लिश वाली ट्रांसलेशन जाएगी GPT-3 के पास। GPT-3 क्या करेगा, उस इंग्लिश ट्रांसलेशन को वेक्टराइज फॉर्म में फॉर्म वो करके दे देगा नेक्स्ट मॉडल को जो कि मेरा स्टेबल डिफ्यूजन वाला मॉडल है। ये मुझे उन वेक्टर्स का यूज करके एक न्यू वेक्टर जनरेट करेगा जिसमें कि इमेज होगी, और वो इमेज हमें रिटर्न कर देगा। सो यहाँ पे सबसे पहला, मैं अब डेमो की शुरुआत करते हैं, सबसे पहला डेमो जो हम है यहाँ पे हिंदी लैंग्वेज के लिए कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जैसे मैंने हिंदी में प्रॉम्प्ट दे रहा हूँ, मैंने बोला कि एक सफेद घोड़ा जंगल में दौड़ते हुए, और यहाँ पे मैंने जो है इंग्लिश में मैं इसको ट्रांसलेट करना चाह रहा हूँ, फिर उस ट्रांसलेशन को मैंने इमेज जनरेट करते वक्त यूज किया। तो लेट्स सी, अब मैं इसको चलाता हूँ और लेट्स सी हाउ द रिजल्ट्स कम। ओके, तो रिजल्ट आ गया है और बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया है, आप देख सकते हैं एक सफेद घोड़ा जंगल में दौड़ते हुए, ये मैंने हिंदी लैंग्वेज में दिया था और मेरे मॉडल ने जो है ये जनरेट करके दे दिया, बहुत ही अच्छा है। अब ठीक है, अब मैं डिफरेंट लैंग्वेज में ट्राई करता हूँ, या फिर मैं हिंदी लैंग्वेज में एक और जो है वो ट्राई कर लेता हूँ, एक और प्रॉम्प्ट जो है ट्राई कर लेता हूँ। जैसे कि मैंने कुछ हिंदी में लिख लिया था, तो जैसे कि मान लो मैं एक और ट्राई करता हूँ, कुछ स्टूडेंट्स अपनी ग्रेजुएशन कैप हवा में उछालते हुए, तो मुझे ऐसी इमेज जनरेट करके दो जिसमें कि कुछ स्टूडेंट्स अपनी ग्रेजुएशन कैप को हवा में उछाल रहे हैं। तो अब लेट्स सी कि कैसे रिजल्ट्स आते हैं।
ओके तो रिजल्ट्स आ गए हैं, बहुत ही सुपर रिजल्ट हैं, और जो मैंने बोला था उसने वैसा ही मुझे रिजल्ट करके दिया। अब मैं आपको ट्राई करवा के दिखाता हूँ किसी और लैंग्वेज में। सो बेसिकली इसमें क्या है कि मैं इसको ट्रांसलेट करता हूँ, जैसे कि अभी यहाँ पे मैं ट्रांसलेशन में आ जाता हूँ गूगल ट्रांसलेट में, जो मैंने हिंदी में टेक्स्ट दिया था उसको मैं पंजाबी में कन्वर्ट करवा रहा हूँ, ठीक है। तो इसने मेरे को ट्रांसलेट करके दे दिया। अब मैं क्या करूंगा, ये पंजाबी वाला टेक्स्ट उसको दूंगा और फिर देखता हूँ कि ये मेरे को कैसे, क्या मेरे को वही रिजल्ट देता है। तो ये मैंने पंजाबी टेक्स्ट इसको दिया है और ये पंजाबी टेक्स्ट से मैं वैसा रिजल्ट जनरेट करवाना चाह रहा हूँ जो कि मैंने इंग्लिश से करवाया, हिंदी से करवाया। अब लेट्स सी पंजाबी से ये मुझे कैसा रिजल्ट देता है। ओके तो आप देख सकते हैं इसमें बहुत ही बिल्कुल सही एप्ट रिजल्ट दिया है। इसमें एक घोड़ा है, जंगल में है, सफेद है और दौड़ रहा है, ठीक है। मैंने ये हिंदी में सॉरी पंजाबी में टेक्स्ट दिया था। अब मैं अगर सिमिलर टेक्स्ट अगर मैं इसको तमिल में कन्वर्ट कर देता हूँ, सो लेट्स सी मैं इसको तमिल लैंग्वेज देता हूँ, तमिल लैंग्वेज में मैं एक टेक्स्ट दे रहा हूँ और फिर लेट्स सी कि ये मेरे को कैसे रिजल्ट करके देता है। यहाँ पे आ जाते हैं अपनी इसमें और तमिल लैंग्वेज में जो है इसको देखते हैं कि ये कैसे रिजल्ट देता है। तमिल लैंग्वेज में कुछ और भी ट्राई कर सकते हैं, जैसे कि लोग होली सेलिब्रेट करते हुए, ये मैंने पहले ही इसका रिजल्ट देख लेते हैं कि एक घोड़ा उसमें सफेद घोड़ा जंगल में दौड़ते हुए, ये मैंने तमिल में टेक्स्ट दिया है और लेट्स सी कि ये मुझे कैसी इमेज जनरेट करके देता है। ये देखिए बहुत ही अच्छी इमेज है, घोड़ा भी है, दौड़ भी रहा है और सफेद भी है और जंगल में भी है और बहुत ही सही है, और ये तमिल का टेक्स्ट था। अब मैं इसको मैं क्या करता हूँ कि मैं एक हिंदी का टेक्स्ट, मैं एक्चुअली यहाँ से किसी और लैंग्वेज की ट्रांसलेशन उठा रहा हूँ, जैसे ये तमिल की है, तमिल की बजाय लेट से मैं अगर 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 लेट से मैं तेलुगु की उठा लेता हूँ, तेलुगु की ट्रांसलेशन मैंने उठा ली और लेट सी मैं इसको तेलुगु की ट्रांसलेशन देता हूँ और फिर देखते हैं कि ये मुझे कैसे रिजल्ट देता है। अब की बार प्रॉम्प्ट भी अलग है और लैंग्वेज भी अलग है, तो इसमें अब की बार लैंग्वेज है तेलुगु और प्रॉम्प्ट था लोग होली सेलिब्रेट करते हुए, और ये मैंने तेलुगु में लिख के दिया है इसको, और ये मेरे को देखते हैं कि ये मुझे कैसा रिजल्ट दे। ओके बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया है, लोग भी हैं, होली भी खेल रहे हैं, सेलिब्रेट भी कर रहे हैं और बिल्कुल तेलुगु लैंग्वेज का जो है मैंने वो दिया था। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइज। आप ऐसे ही आप इसको ट्राई कर सकते हैं, अकॉर्डिंगली इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। ये जस्ट एक आपको गाइड करने के लिए है कि बेसिकली कि क्या थॉट प्रोसेस है किसी चीज को डिजाइन करने के लिए, किसी चीज को आप कैसे उसको यूज कर सकते हैं। डेफिनेटली कुछ कुछ ऐसे इसमें कुछ ऐसे सिनेरियोज हो सकते हैं जब ये उतने अच्छे रिजल्ट्स ना दे, तो बेसिकली आप उसको में जो है आप अकॉर्डिंगली उसको फाइन ट्यून कर सकते हो अपनी एप्लीकेशन को। अब इसको अगर पूरी एज ए कंप्लीट वर्किंग एप्लीकेशन आपको बनाना है तो उसमें कुछ भी नहीं करना है, ये आप पूरा का पूरा कोड उठाइए, बैक एंड पे डालिए और फ्रंट एंड पे एक HTML का पेज लिखिए और वहां पे जो है बेसिकली जिसमें एक टेक्स्ट बॉक्स होगा जो कि आपका टेक्स्ट लेगा और बेसिकली पीछे फिर बैक एंड पे आपका पूरा यही वाला कोड रहेगा और ये आपको इमेज को अपडेट देगा और फिर वो आपका फ्रंट एंड आपको वैसे इसको जनरेट वो करके दिखा सकता है। तो वो चीजें बहुत ही आसान है, वो चीजें कोई भी कर सकता है और वो बहुत ही कॉमन भी है। ये वाली चीज जो थी वो उतनी कॉमन नहीं है, लोगों को बहुत ज्यादा पता नहीं है, तो अगर आपको ये चीज करनी आ गई तो आप इसको एक पूरी प्रॉपर वर्किंग प्रोटोटाइप या वर्किंग प्रोडक्ट या वर्किंग एप्लीकेशन बनाने में आपको जो है बहुत ज्यादा डिफिकल्टी नहीं आएगी, क्योंकि मेजर जो कोर पार्ट था वो इसका यही है। ऐसे ही आप AI की, मशीन लर्निंग की बहुत अच्छी अच्छी एप्लीकेशंस बना सकते हैं। और दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग वीडियोस। इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब माय चैनल, प्लीज 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 सब्सक्राइब इट फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग वीडियोस, एंड प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। एंड टिल द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।